ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है कि भाजपा विपक्ष खत्म करना चाहती है, लेकिन जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हमारा स्टार प्रचारक है उसे हम क्यों खत्म करेंगे। कमलनाथ ने सारे बड़े नेताओं को घर बैठा दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा जो पाकिस्तान पहले कश्मीर मांगता था अब वह भीख मांगता है। उन्होंने कहा कमलनाथ ने संभाग के बड़े नेता केपी सिंह, अशोक सिंह और गोविंद सिंह को घर बैठा दिया है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर महीने ग्वालियर आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 15 माह के शासन में 15 मिनट के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं आए, उनको इस क्षेत्र से बू आती है। इस ग्वालियर चंबल अंचल के कारण ही कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे और कमलनाथ ने सर्वाधिक उपेक्षा इस अंचल की। अब वह वोट मांगने यहाँ आ रहे हैं। कमलनाथ पर उम्र हावी हो गई है, वे किसी को नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कांग्रेस काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, हमें गाली देकर वोट मांग रही है। उन्होंने कमलनाथ सरकार को सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। वो पाकिस्तान जो हमसे कश्मीर मांगता था आज भीख मांगने की स्थिति में आ गया है। वो पाकिस्तान जातियों में दरार डाल के राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया और यही कारण था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 महीने कमलनाथ रहे। कमलनाथ कभी ग्वालियर नहीं आए मेरे को, उनको बू आती थी अपन लोगों में से। नेताओं की तो बात अलग है, नेताओं के पास नहीं आते कोई बात नहीं थी, पर जनता से तो मिलने आते। अब वोट मांगने के लिए आ रहे, ऐसे नाक वाले थे तो अभी भी नहीं आते। मित्रों मध्य प्रदेश में कोई नेता छोड़ा नहीं, ग्वालियर चंबल के नेता को भी नहीं निकलने दे रहे। केपी सिंह घर बैठे हैं, गोविंद सिंह घर बैठे हैं, अशोक सिंह घर बैठे हैं, सबने नेता घर बिठा दिए, बोले कमलनाथ के नाम पर बोल दो। अरे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो ऐसा कोई तिमाही नहीं होगी जब ग्वालियर के अंदर नहीं आए होंगे पिछले 15 साल। चुनाव की विशेषता देखिए आप लोग, पूर्व के जागरूक और प्रबुद्ध मतदाता हो, इस चुनाव की विशेषता ही सिर्फ ये है कि इसमें कांग्रेस काम के आधार पर वोट ही नहीं मांग रही। वो वोट ही नहीं मांग रही कि काम के आधार पे हमने 15 महीने में फला किया हमें वोट दे दो, वो सिर्फ हमें गाली देके वोट मांग रहे। हमें गाली पर गाली दिए जा रहे और वोट मांगे जा रहे। अरे हमने क्या किया हम बता देंगे, तुमने 15 महीने में क्या किया तुम बताओ, हमारे 15 साल का आपके 15 महीने का जनता तोलेगी और उसके बाद वोट कर देगी किसको वोट करना है। उसने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्दे के पीछे से सरकार कोई और चला रहा है, डोरी किसी के हाथ में है। तब मैंने कहा था कि दिखता नहीं दुखता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी और उस पर कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। मदारी दिखाई नहीं दे रहा, डोरी किसी और के हाथ में और सरकार मध्य प्रदेश की चल रही है। मिश्रा ने कहा कि कुछ विदेशी और पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की और आज भी कांग्रेस की अध्यक्ष विदेशी है। एक और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने विश्व में भारत माता के माथे को गौरवान्वित किया है, देश में आतंकवाद को खत्म किया है। उन्होंने जनता से मुन्नालाल गोयल को जिताकर माफियाओं को हराने की बात कही। उस विदेशी और पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने जिनने कांग्रेस की स्थापना की और आज भी एक विदेशी अध्यक्ष है उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब दो ऐसे तीन देखो, यहाँ के दो प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा के, मध्य प्रदेश के दो नेता कांग्रेस और भाजपा के और हिंदुस्तान के दो नेता कांग्रेस और भाजपा के, ऐसे करके आप सीक्वेंस बनाओ तो आपको मुन्ना लाल का प्रत्याशी होना और सामने वाले का समझ में आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिसमें मुन्ना भाई साहब है उसके नेता नरेंद्र भाई मोदी है, वो मोदी जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया, वो मोदी जिसने इस देश के अंदर से आतंकवाद समाप्त किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।